मॉर्निंग स्टूडेंट, लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर फोर, थर्मोडायनामिक्स। इन फर्स्ट लेक्चर वी एक्सप्लेन व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। वी एक्सप्लेन क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, नाउ थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज द सिस्टम विच कंप्लीटली सील। ये जो सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली सील होता है, बिकॉज द मटेरियल आर फिक्स, मैटर आर फिक्स इन द एडियाबेटिक वॉल। सो दिस इज द वेसल एंड देयर इज अ पिस्टन इन विच मटेरियल्स आर फिक्स, दैट इज गैस मॉलिक्यूल। ओके, सो हियर नो हीट इंटर और लीव फ्रॉम द सिस्टम, that's why it is called completely sealed, that is matter as well as heat cannot be changed with its environment, no heat in or out, no matter in or out, matter moving towards wall reflect, moving towards right wall reflect, moving towards left wall reflect, because of wall is not conducting, it is a insulating wall, इसे एडियाबेटिक वॉल भी कहा जाता है, एडियाबेटिक और इंसुलेटिंग वॉल। सो दैट्स व्हाई द सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, इट इज कंप्लीटली सील, मैटर एज वेल एज हीट कैन नॉट बी चेंज विद सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, इट रिमेन्स इनसाइड द वेसल। एग्जाम्पल है उसका थर्मोस फ्लास्क, वर्किंग ऑफ द थर्मोस फ्लास्क, वी हैव टू पुट कॉफी, हॉट वाटर, मिल्क, टी इन द थर्मोस फ्लास्क, द टेम्परेचर एज इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, सो इट इज कंप्लीटली सील्ड विद एडियाबेटिक वॉल, सो दैट्स व्हाई इट वर्क एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर, दिस इज अबाउट द थर्ड सिस्टम। नाउ व्हाट इज हीट, कंसेप्ट ऑफ हीट। हीट क्या होता है, वी नो हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम टू सिस्टम, दैट इज ए टू बी, बी टू सी, between two system or a system and its surrounding due to temperature difference between system and surrounding due to temperature difference is known as heat. Repeat again, heat is a form of energy which can transfer between one system to another system or system to its surrounding because of temperature difference, due to temperature difference is known as heat. Okay, then what is the SI unit of heat? Heat can be एक्सप्रेस इन SI यूनिट, दैट इज जूल। SI यूनिट क्या है हीट का, जूल, और CGS में है अर्ग। CGS यूनिट ऑफ हीट इज अर्ग, SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट इज अर्ग, इनका रिलेशन है 1 joule = 10^7 अर्ग। अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज किलो कैलोरी, we also measure heat in kilocalorie and another in is calorie, kilocalorie and calorie, these are also the unit of heat. Now what is the relation between calorie and joule? So calorie is a higher unit compared to joule, aur inka relation hai 1 calorie = 4.18 joule, important relation, 1 calorie = 4.18 joule. Okay, and also for practical purpose or high industries we have to use
बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बीटीयू कहा जाता है इसे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ हिट, कैपिटल बीटीयू, दैट इज अ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ द हिट, एंड द रिलेशन ऑफ दैट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट विथ कैलोरी वन बीटीयू, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है 252 कैलोरीज, वन बीटीयू इक्वल टू 252 कैलोरीज, ओके, दिस इज अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन फॉर बीटीयू एंड रिलेशन बिटवीन बीटीयू एंड कैलोरीज, क्लियर? नाउ हाउ द हीट कैन ट्रांसफर, वी सी इन द डेफिनेशन, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, सी इन द फिगर ए, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम that is a gas molecule or any liquid solid molecule, so we call it is a system. System ka temperature is TS, T suffix S is the symbol of temperature of system, and outside jo atmosphere hai, environment, we call it is a surrounding. So here environment temperature TE, system temperature TS. If system absorb heat from the surrounding, agar system एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है, ओके, टेकअप फ्रॉम द सराउंडिंग, देन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, फिर उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन एनवायरमेंट, देन हीट एब्जॉर्ब, सो इट इज पॉजिटिव. सिस्टम गेन हीट, सिस्टम क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन करेगा, लॉस नहीं करेगा, गेन, एंड Q is positive, it become positive, that is greater than zero, that may be 10, 20, 100, 200, greater than zero, okay. Now see here figure B, again same system temperature, but here system agar hot hai, to ye heat loss karega atmosphere mein, to system loss heat to the atmosphere, that is environment temperature TE. तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, सो क्यू इज लेस देन जीरो, सिस्टम लॉस एनर्जी एंड क्यू इज नेगेटिव, क्यू इज माइनस. एंड लास्ट इन फिगर सी, देर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम विद सराउंडिंग, तो ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. दोनों कैसे हो गए फिर, अभी थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, देन बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो सिस्टम एंड एनवायरमेंट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सो क्यू इक्वल टू जीरो. सो दैट्स वाई हीट कैन ट्रांसफर वन सिस्टम टू अनदर एज वेल एज सिस्टम टू सराउंडिंग. तो हीट मे बी पॉजिटिव, इसके तीन वैल्यू आएंगे आपको, हीट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, हीट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ओके. सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी. सो कंटिन्यू the concept of the first law of thermodynamics. इससे पहले हमने देखा zeroth law, that's why the name is first law of the thermodynamics, okay. Now what is the statement of the first law, it state that if some quantity of heat is supplied to a system, okay, suppose this is the system, that is a gas in a vessel, okay, gas in a vessel, right, some quantity of heat supplied to the system, ये हीट हमने गैस को सप्लाई किया, कितना हीट किया, डेल्टा क्यू. तो ये जो हीट हमने सप्लाई किया है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क, कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क, देन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अब इसमें से जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा इज इक्वल टू द, उसका दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटर
sum of increase in the internal energy of the system and external work is done by the system. Okay, देखो अभी ऐसे हीट को हमने सप्लाई किया है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे. मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट टू इंक्रीज देयर इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई अभी हमने देखा बाय हीटिंग और बाय डूइंग वर्क, राइट. तो इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स मॉलिक्यूल परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, सो देयर एनर्जी बिकम इंक्रीजेस एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. तो यहाँ पे जो पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाएंगे, कोलाइड्स. द कोलाइड्स एंड एग्जर्ट फोर्स और प्रेशर सो डूइंग द एक्सटर्नल वर्क. अगर ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा आगे चला जाएगा, पिस्टन इज मूव एंड पिस्टन इज मूव अपवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस. इनिशियल वॉल्यूम अगर वी आए तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी एफ. सो चेंज इन वॉल्यूम जब होता है ना, दैट इज वर्क इज डन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. अभी हम वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर रहे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, मॉलिक्यूल डू द वर्क. दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. ऑन द सिस्टम में भी होता है, बाय द सिस्टम में भी होता है, बराबर है. जब हीटिंग करेंगे तो बाय द सिस्टम. क्लियर. रिपीट अगेन, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है. वी स्टेट दैट इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क, देन अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. तो मैथमेटिकल फॉर्म इसका डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा का मतलब है चेंज, ओके, डिफरेंस, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो इसमें डेल्टा क्यू जाए, इसका मीनिंग है हीट सप्लाई, हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, बराबर है. डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज और डिक्रीज इंटरनल एनर्जी. हीट सप्लाई क्या मतलब, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी. और डेल्टा डब्ल्यू है doing external work done, external work done by the system. ठीक है, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेगा आपको, नेगेटिव भी मिलेगा. इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा. और वर्क डन की भी दो वैल्यू आपको मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो व्हेन वी हैव टू टेक दिस साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके लिए 5 to 6 केसेस है. Now we have to explain the cases for first law of thermodynamics. देखो अभी thermodynamic sign, ये first column है हमारा thermodynamic sign. Second convention, that is sign convention को हम convention कहेंगे shortcut में. And convention for हीट एंड वर्क, दोनों के लिए हीट एंड वर्क, ओके. फर्स्ट हीट एडेड टू सिस्टम, प्रोसेस देखो, प्रोसेस हीट एडेड टू सिस्टम. अभी हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे. तो डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब हीटिंग द गैस, गैस को हीट करो. हीट एडेड टू सिस्टम डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो, 10, 20, बराबर है. तो इट बिकम पॉजिटिव. सेकंड हीट रिमूव फ्रॉम सिस्टम, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, तो इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम नेगेटिव. अभी तीसरा है इंटरनल वर्क डन के लिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन by the system, work done system, अगर work done करता है तो value आ जाएगा delta W greater than zero. तो इसका meaning क्या हुआ, volume increase, volume of gas increases, volume increases, तो work done का sign मिलेगा आपको positive. Number 4, work done on
the system. Work done on the system. Work done on the system. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिक्रीज, मतलब प्रेस द पिस्टन, गैस को प्रेस करो. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस. वॉल्यूम डिक्रीजेस तो डेल्टा डब्ल्यू लेस देन जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको निगेटिव. नंबर फाइव, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, तो हियर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइज या फिर इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, सो इट बिकम पॉजिटिव. टेम्परेचर हीटिंग द गैस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो. एंड लास्ट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल, मतलब डिक्रीज. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अगर हम फॉल्स करेंगे, डिक्रीज, तो डेल्टा यू हो जाएगा लेस देन जीरो, सो इट बिकम नेगेटिव. इट बिकम नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन. ये आगे न्यूमेरिकल में हमें यूज करने होते हैं. साइन कन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. रिपीट अगेन, हीट एडेड टू सिस्टम डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव. हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम डेल्टा क्यू लेस देन जीरो निगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो. वॉल्यूम इंक्रीजेस. वर्क डन ऑन द सिस्टम वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेल्टा डब्ल्यू लेस देन जीरो निगेटिव. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस, डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव. एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल्स, डेल्टा यू लेस देन जीरो निगेटिव. क्लियर? इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन आगे एमसीक्यू में भी यूजफुल है आपको नीट एग्जाम के लिए. नाउ अब ये जो तीन टर्म्स है फर्स्ट लॉ में, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसके और दो फॉर्म हम ले सकते हैं. और अगर हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा क्यू, ये पॉजिटिव इधर चला गया, माइनस डेल्टा डब्ल्यू. और वर्क डन के लिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू. दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब इसमें से डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, दिस टू क्वांटिटी, दे आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन. ये दोनों क्या है? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं. अगर आपका पाथ कैसा है, आपका पाथ ऐसा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज है सपोज, ओके, क्लॉकवाइज, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है. एंड ये पाथ इज एंटी क्लॉकवाइज. पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सपोज, ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ, तो वर्क डन निगेटिव, एनर्जी निगेटिव. क्लियर? इसे पाथ डिपेंडेंट फंक्शन कहा जाता है. एंड डेल्टा यू जो है ना इंटरनल एनर्जी, ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है. पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इसका मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना है और फाइनली वॉल्यूम कितना है, तो इसके ऊपर ही डिपेंड है. इनिशियल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट. एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द फंक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स.